रामकली, रामकली, अरे हमारी जान लेकर मानोगी क्या? खाने में मिर्च डालती हो कि मिर्च में खाना? ओहो, भगवान झूठ ना बुलवाए, अरे पेट में ज्वालामुखी फट पड़ा है। आप ही ने तो कहा था भगवान झूठ ना बुलाए, खाना कितना फीका बनाते हो, चटपटा बनाओ चटपटा, बस बना दिए चटपट चटपट। अरे ये झटपट झटपट जैसे तुम्हारी जबान चलती है ना, ऐसे किचन में हाथ भी चलाओगी तो सबका भला होगा। अरे अब जाओ, जाके नई बहू से पूछो कि खाना क्या बनेगा, या वो भी हम करें। बहुत हो गया अरमान, इस बात को अब यही खत्म करना होगा। रिया, रिया कहाँ जा, मेरी बात पूरी तो सुन लो एक बार। हटो अरमान। बहुरानी, आज के खानों में क्या मेनू है? बहुरानी, अरे जी दंदनाती हुई कहाँ जा रही हो भाई? अरे जवाब तो दो। ये कौन सा नया तमाशा कर रही है भाभी? फैशन इवेंट का सारा प्लान गिरा सर। गुड जॉब काजल, आज तुमने होटल की इज्जत और ये डील दोनों बचा लिया, वरना कितना बड़ा नुकसान हो जाता। आई एम रियली इंप्रेस्ड। थैंक यू सर, मुझे तुमसे बात करनी है। ऑफ कोर्स, आई बस दो मिनट। अभी दिया, व्हाट इज दिस? क्या हुआ दिया? सब ठीक है घर पे? तो सब ठीक है ना? अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे साथ। डोंट यू डेयर, आइंदा से मुझे अपनी दोस्त कहने की गलती मत करियो तू। इस लफ्ज के मायने जानती है? दोस्ती का सबसे पहला रूल है लॉयल्टी। लेकिन तुझे क्या पता कि ईमानदारी क्या होती है? आज तक सबको धोखा जो देती आई है तू। क्या बकवास कर रही हो, होश में तो हो? होश तो मुझे अब आ गया है। अरमान कब से मुझसे कहता रहा, लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। यकीन नहीं किया कि जिस लड़की को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड कह रही थी वो मेरी पीठ पीछे मुझे ही धोखा देगी। बस अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, समझी? लिमिट्स तूने अपनी क्रॉस की है? अपनी दोस्त का घर तोड़ने चली थी तू? कौन सी ऐसी दोस्त है जो अपनी दोस्त के पति को आई लव यू कहती है? बोल। क्या कह रही हो दिया, जरूर तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई। गलतफहमी थी, लेकिन देर होने से पहले दूर हो गई। ध्यान से सुन, दोबारा नहीं कहूंगी। खबरदार, आज के बाद मैं, मेरी लाइफ, मेरी फैमिली और खास तौर पर मेरे पति अरमान से दूर रही हो, वरना बहुत पछताएगी तू। दोस्ती और दुश्मनी बहुत अच्छी तरह निभाना जानती हूँ मैं। दिया, ये क्या तरीका अपने कलीग से बात करने का? सर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, इस वक्त आप हम दोनों के बीच में मत आइए, ये मेरा पर्सनल मैटर है। और ये तुम्हारा घर नहीं, ऑफिस है। और काजल से बदतमीजी से बात करने के पहले तुम्हें सोचना चाहिए, जिसे तुम ब्लेम कर रही हो उसी ने तुम्हारे प्लान की डेडलाइन मीट करके तुम्हारी नौकरी बचाई है। इट्स ओके सर, दिया भी गुस्से में है, वो परेशान है, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, और तू भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि तू क्या कर रही है मेरे पति के साथ। लास्ट वार्निंग है मेरी ये तुझे, आइंदा से अगर अरमान से बात करते हुए या उसे मिलने जुलने की कोशिश करते हुए देख लिया ना तुझे, तो फिर तो देख लिया। तो क्या हुआ अगर काजल ने अरमान से बात की? वो उसका एक्स हस्बैंड है, वो एक दूसरे को तुमसे पहले से जानते हैं, एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता रह चुका है उनका, और दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट लगते थे। एक्सक्यूज मी? और वैसे भी दिया, अरमान ने तुम पर तरस खाकर ही तुमसे शादी की होगी, वरना है क्या तुम्हें? ना रंग, ना रूप, ना कोई खास बात, मेकअप करने से कोई हूर की परी नहीं लगने लगोगी। और ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है,
जो तुम काजल पर गुस्से की तरह निकाल रही हो कि कहीं अरमान तुम्हें छोड़कर काजल के पास ना चला जाए। How dare you? तुमने अपने सीनियर पर हाथ उठाया। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, मैं एचआर से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। हम नहीं करते ये चीयर्स, करना पड़ता है, ट्रेडिशन होता है। चलो ऐसे देखो, yeah. देखो ना मैं बताती हूँ। चीयर्स। हेलो। क्या बात है, स्वाद आ गया मम्मी। ये तो आपने पुदीने वाला पानी बनाया ना, बहुत ही स्वाद है। चलो ये इमली वाला ट्राई करते हैं। लो। ए, बदमाश, तुम बचपन से यही करती आ रही हो, खिलाओ अब हमको। अच्छा लो ना, ये लो। अच्छा लो। कैसा है? पानी में थोड़ा तीखापन कम है, थोड़ी खटास भी कम। क्या कम है समझ नहीं आ रहा। दिया का प्यार। दिया जैसे पानी तो कोई बना ही नहीं सकता है। अब हमें कहाँ नसीब हो गया उसके हाथ का पानी। अब तो ससुराल वाले मजे लेते होंगे उसके। फोन कर। अरे वहां देखो ना मम्मी। आइए। अरे कौन? ये भयानक भावना का फोन क्यों आ गया? स्पीकर पे डालो। हेलो। हाँ भावना, कैसी हो बेटा, सब ठीक है? बहुत दिन बाद फोन किया। मेरी मानो आंटी जी, आप मेरी बात सुनेंगी तब कुछ समझ में आएगा ना। अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए कि दिया भाभी वहाँ आई है क्या? दिया? नहीं तो क्या हुआ? कुछ नहीं आंटी जी, वो एकदम गुस्से में घर से बाहर निकली हैं, बहुत उकड़ी उकड़ी सी थी, पता नहीं क्या बात थी, मैं तो बहुत डर गई, इसलिए आपको फोन लगा लिया मैंने, क्या पता आपके पास आई हो। आंटी जी आई होप सब ठीक हो। कोई बात नहीं, आपको कुछ पता लगेगा तो बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, हम बताते हैं, फोन करते हैं हम उसको। मम्मी ये एकदम से दियादी को क्या हुआ? कहीं वो मधु बुआ ने तो फिर से कुछ। क्या पता बेटा, पता नहीं कहाँ हो गया, हम फोन ट्राई करते हैं। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया होगा। हे माता रानी, माई दिया को ठीक रखना। तुम 15 मिनट यहीं रुको, बात बहुत सीरियस है, हम तुम्हें जल्दी अंदर बुलाएंगे, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे। दिया, तुम तो हमेशा अपने दिल से नहीं अपने दिमाग से सोचती हो बेटा, और खासकर अपनी नौकरी को लेकर। फिर आज तुमने ऐसे कैसे कर दिया? और तुमने बिना कुछ सोचे समझे थप्पड़ मार दिया। अब देखना वो लोग ना सिर्फ इस थप्पड़ पर ध्यान देंगे और कैसे इसे बात का बतंगड़ बनाकर इसे उछालेंगे। मम्मी तुम नहीं जानती उस वक्त ना मेरा। हम सिर्फ इतना जानते हैं दिया कि ये नौकरी ना तुम्हारा सपना थी। इस नौकरी को पाने के लिए तुमने कितना कुछ झेला और आज अपने हाथों से इस नौकरी को खो रही हो। एक बात बताओ बेटा, तुम इस नौकरी के बगैर रह पाओगी? नहीं ना। तो एक काम करो, हमारी बात मानो और तुम ना अपने बॉस से माफी मांग लो। तुम देखना कैसे थोड़े दिन बाद ये मामला एकदम ठंडा हो जाएगा और सब लोग भूल भुला जाएंगे और सब मामला निपट जाएगा। मम्मी मैंने बताया ना आपको, उस आदमी ने मुझसे क्या क्या नहीं कहा और फिर भी आप मुझे उससे माफी मांगने के लिए कह रही हो। एक बार फिर आप मुझे आंखें बंद करके लोगों के सामने नजर झुका के चलने के लिए कह रही हो। उसने मेरे रंग रूप के लिए क्या क्या नहीं कहा मम्मी, और तुम मुझे सॉरी बोलने के लिए कह रही हो। क्यों? अरे रंग को लेकर तुमने बचपन से सुना है, ये कौन सी नई बात है तुम्हारे लिए? लेकिन इसके लिए तुम अपनी नौकरी खो दोगी।
अरे तुम हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मम्मी बात है रंग रूप की नहीं है, रहने दो, आप नहीं समझोगी, रहने दो। अरे अब... अरे फोन ही रख दिया, हमारी बात ही नहीं समझ रही है। मम्मी हाँ, आप हर बार दिया दी को झुकने के लिए, अपनी फीलिंग्स दबाने के लिए, सबके सामने दबने के लिए क्यों मजबूर करते हो? गलत बात है मम्मी, बहुत गलत बात है। अरे तो स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।